सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रॉप इन पॉट। यार इस वीडियो में देखने वाले स्कैटर्न बैरल्स के बारे में। सो ऑब्वियसली मैंने यार लेजेंड लीग में स्कैटर्न बैरल्स अटैक किया और काफी अच्छा अटैक की। यहाँ पर देख सकते हो ये 100% ये नहीं है भाई, ये मतलब ये वीडियो में काफी पहले बनाने वाला था, आई थिंक दो दिन पहले, पर बना नहीं पाया, भूल गया था। ओके तब बीच में विचेस अटैक स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर जो स्कैटर्न बैरल्स हमने अटैक की थी ये रही भाई 100% वाली। तो मैं आपको ये अटैक दिखाना चाहता हूँ जिसमें हमने ऑलमोस्ट 3 शॉट मार दिया स्कैटर्न बैरल्स से, वो भी भाई लेजन लीग में। भाई लेजन लीग में इतना आसान नहीं है मारना। और प्लस आज हम गिव अवे करने वाले गोल पास के लिए, तो आई नो यार काफ़ी लोग वेट कर रहे थे मेरे चैनल पर यार गोल पास भाई कब करोगे, तो भाई इस वीडियो में करेंगे। और आगे मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है वीडियो के अंदर गोल पास गिव अवे जीतने के लिए, और इसकी रिजल्ट्स भी भाई एक ट्रिक है आने के लिए। ओके तो मैं आपको वो कंडीशन भी बताऊंगा। ओके तो यार मेक श्योर भाई जो भी बंदा चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला बेल आइकन बता देना, वीडियो पर लाइक ठोक देना। ओ हाँ भाई बेल आइकन भाई जो भी है ना, तो बेल आइकन भाई बेल आइकन पर टिपने के बाद ऑल पर सेलेक्ट करना। ओके काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती ये कर देना, या फिर आपको नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आती तो आप अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर देना, एक बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अटैक स्टार्ट होती है ये वाली स्कैटर्न बैरल वाली, तो मैं आपको डायरेक्टली 100 वाले दिखाता हूँ। ये देख लो अटैक, हमने यार लेजेंड में अटैक किया था, और ये अटैक की कॉम्बिनेशन अपने काफ़ी लोगों ने यार लाइव स्ट्रीम में देखी थी जब हमने लाइव स्ट्रीम की थी, और ये सारी अटैक्स हमने लाइव किया था लाइव स्ट्रीम में, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू बंदे ने देखा होगा। तो आपको मैं गाइड करता हूँ कैसे आप स्कैटर्न बैरल इस्तेमाल करके कर सकते हो, क्योंकि स्कैटर्न बैरल आई थिंक सो अभी से 8-9 दिन और बचे हुए हैं, उसके बाद स्कैटर्न बैरल चली जाएगी। पर फिर भी यार अगर चाहते हो इस्तेमाल करने कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ओपी ट्रूप है, और गिव अवे के बारे में बताएंगे तो वेट करो। तो हम अटैक स्टार्ट होती है यहाँ पर, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देता हूँ इसी कॉम्बिनेशन पहले देख लो। ओके आई थिंक मोस्ट ऑफ यू को पता नहीं होगा, तो यहाँ पर टोटल 60 स्कैटर्न बैरल्स है, उसके साथ हमने यहाँ पर 10 लाइटनिंग स्पेल्स और 2 अर्थ स्पेल लिए, क्योंकि 5 लाइटनिंग स्पेल हम एक स्कैटर शॉट पर ड्रॉप करेंगे और दूसरे स्कैटर शॉट पर भी 5 ड्रॉप करेंगे, और प्लस एक अर्थ स्पेल इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, तो इक्वली हो जाएगी। और पॉइजन स्पेल भाई मालूम है सीसी के लिए, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं। तो यहाँ पर देखो ट्रूप्स की कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको एक हेल्प हो जाएगी, समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये स्टार्ट कहाँ से होता है और कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने वॉल ब्रेकर लिया। वॉल ब्रेकर के अंदर मेक श्योर आइस गोलम्स हो, क्योंकि यहाँ पर आइस गोलम्स से लिए मैंने 3 आइस गोलम्स, क्योंकि 3 आइस गोलम्स जो होगी ना आपको हीरोज़ के लिए टैंकिंग काम करेगी। तो इससे अटैक स्टार्ट करने से पहले ना आपको यहाँ पर अटैक करना है, आपके ट्रूप्स को अंदर भेजना है, ट्रूप्स को नहीं भेजना है पर हीरोज़ को अंदर भेजना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर ओके स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देख लो 5 लाइटनिंग स्पेल और 1 अर्थ स्पेल से आसानी से एक स्कैटर शॉट जा चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर देखना 5 लाइटनिंग स्पेल और 1 अर्थ स्पेल, मतलब प्लेसमेंट डिपेंड करती है भाई आप कहाँ से डिप्लॉय करते हो। ओके तो यहाँ से हम अपना वॉल ब्रेकर डिप्लॉय करेंगे, अब बाकी हीरोज भी डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो है ना ब्रदर, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले, क्योंकि इसका सिंगल इन्फर्नो है, हमारे सीसी के अंदर आइस गोलेम्स है, मतलब समझ रहे ना भाई, मतलब काफ़ी ओप होने वाले। तो यहाँ पर देख लो हमने वॉल ब्रेकर से स्टार्ट किया, और फिर यहाँ पर एक पाथ क्रिएट करने के लिए साइड से हमने स्कैटर्न बैरल्स को ड्रॉप किया, क्यों भाई फनलिंग के लिए, ताकि फनल हो जाए और हमारे जो हीरो से वो राउंड अप ना जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी फनल हो चुकी है स्कैटर्न बैरल के थ्रू। उसके अलावा यहाँ पर हमारी जो लावा जो आइस गोलम्स थी ना वो बाहर निकल चुकी है, और उन्होंने काफ़ी फ्रीज कर रहे हैं ताकि हमारे हीरोज़ को यार इतना डैमेज करना ना पड़े। यहाँ पर बैलून्स निकल चुकी है, तो भाई हमारे पास तो पॉइजन स्पेल ऑलरेडी है, हमने ऑलरेडी तैयार रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आसानी से भाई हम टाउनो ले लेंगे, एंड मे बी ये कंपार्टमेंट जो है ना ये सारी एक्सबोज और ये सारी को आसानी से खत्म कर देंगे, ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा किंग जा चुका है, मर चुका है आई थिंक सो। ओके तो बट किंग बची हुई है, क्वीन बची हुई है, और क्वीन की एबिलिटी अभी भी बची हुई है, तो ऑब्वियसली किंग तो खत्म होने वाला है, किंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारी अटैक स्टार्ट होती है इस एरिया से। ओके क्योंकि यहाँ पर विजिट टावर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियसली ये इस एरिया से स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा जो स्केलेटन बैरल्स है और उसके अंदर जो स्केलेटन्स होंगे उससे वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो ये विचेस से। ओके तो यहाँ पर देखो जो अटैक स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 26% मिल चुकी है। तो ऑब्वियसली यार जब भी आप हीरोज लेते हैं ना, तो एक काम करना यही काम करना कि टाउनों को पहले ले लें। तो यहाँ पर हम साइड में कुछ ड्रॉप्स कर रहे हैं ताकि यार एक फनल क्रिएट हो जाए, और बाकी जो भी बिल्डिंग्स है वो खत्म हो चुके हैं। ओके ताकि हमारे स्कैटर्न बैरल साइड में ना जाए। अब बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो हमने अपने सारे स्कैटर्न बैरल्स को ड्रॉप कर दी, और प्लस इसके ऊपर हम अपने वार्डन को डिप्लॉय किया, क्योंकि वार्डन एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम वार्डन की एबिलिटी बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हमारे स्केलेटन्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होंगे। तो यहाँ पर हमने सारे ड्रॉप कर दिया, अब कुछ मैंने उस अपर सेक्शन में ड्रॉप किया ताकि वहां पर एक बॉम्ब टावर है, तो बॉम्ब टावर में मे बी स्कैलिस ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि यार जब स्कैटर्न बैरल ब्लास्ट करती है ना भाई थोड़ी तो डैमेज करती है, जैसे हमारी नॉर्मल ब्लिंप करती है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी जा रही है, और हमारी रॉयल चैंपियन को भाई ऑब्वियसली लास्ट तक बचा के रखना था, इसे मैंने बचा के रखी, और लास्ट में रॉयल चैंपियन है, देख रहे हो क्या कमाल धमाल दिखा रहा है, और इस बेस को यार कोर रोक नहीं सकता 3 स्टार से। तो मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एबिलिटी हमने स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पर विच थी, विचेस टावर थी और यहाँ पर विजर टावर थी। तो यहाँ पर देख सकते हो एक ऑलमोस्ट क्लीन 3-स्टार अटैक थी लेजेंड में। तो मैं आपको एक सेकेंड अटैक और दिखाता हूँ जो हमने स्कैटरिंग बैरल से की थी और उसकी बेस लेआउट काफ़ी डिफरेंट है। तो वो वाली अटैक कॉम्बिनेशन ओके, तो भाई वो वाली अटैक ये रही 99%, जिसमें मैंने थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंस की वजह से मुझे 3-स्टार नहीं मिली। और ये बेस देख लो भाई, काफ़ी लोग बोलते हैं वो बेस ईजी थी, पर ये वाली बेस देख लो इतनी भी ईजी नहीं है। और इस बेस के बारे में बात करेंगे। और हाँ भाई, गिव अवे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या। गिव अवे के लिए एंटर करने से पहले भाई, आपको जो भी बंदे चैनल पर न्यू है ना, आपको सब्सक्राइब करना है। अब बाजू वाला बेल आइकन है ना भाई, उसमें सब वो सेलेक्ट करके आपको ऑल में सेलेक्ट कर देना है ओके, बेल आइकन में। उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है। और जब भी भाई इस वीडियो पर लाइक ऑलमोस्ट 150 लाइक एम कंप्लीट हो जाएगी ना, तब मैं गिव अवे की रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। और इस वीडियो में हम टोटल एक गिव अवे कर रहे हैं, मतलब एक गोल पास की गिव अवे, मतलब समझते हो भाई, हफ्ते में हम एक गोल पास गिव अवे करेंगे अब से, मतलब इस हफ्ते कर रहे हैं। तो इसकी रिजल्ट जब भी 150 लाइक एम कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इसकी रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। और आपको एक और चीज़ करना है, आपको वीडियो के नीचे कमेंट, कोई भी एक रैंडम कमेंट करना है, कर देना है ओके, कोई भी एक रैंडम कमेंट कर दो। वहाँ पर आपको हर्ट मिल गई तो सोच लो भाई आप पार्टिसिपेट हो चुके हो, और वहीं से हम रैंडम कमेंट पिकर ऐप से आपके कोई एक कमेंट को पिक करेंगे और उनको गोल्ड पास देंगे। और ये गोल्ड पास आपको मिल जाएगी तो आपके लिए हेल्प होगी भाई अगले सीजन के लिए, जब गोल्ड पास आ जाएगी तो आप परचेस कर पाओगे ओके। तो और एक और चीज़ भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो विनर होगा मैं चेक करूंगा भाई बाद में कि वो इसने वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखी कि नहीं देखी। तो मेक श्योर भाई ये सब चीज़ कंडीशंस अप्लाई करना तो आप गोल्ड पास जीत सकते हो। तो सेकंड अटैक देख लो, यहाँ पर हमने सेम कॉम्बिनेशन लिखी है, सारी चीज़ सेम है। तो यहाँ पर भी सेम स्टार्ट होने होती है भाई, जो हमारा लाइटनिंग स्पेल है वो हम स्कैलर सोर्स पर ड्रॉप करने वाले दोनों पर, और एक अर्थ की स्पेल। तो ये भाई ये पोजीशन तो आपको पता है, यहाँ पर देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो हमारा लाइटनिंग स्पेल वहाँ पर ड्रॉप होने वाली है। उसके अलावा हम पहले अपने टाउन हॉल को वापस ले लेंगे, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ओके ये दिस इज डन ओके। यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ स्कैलर सॉर्ट टूट चुकी है। उसके साथ साथ कुछ डिफेंसेज जो थे ना भाई वो भी टूट चुकी है, क्योंकि उसके सामने वो डिफेंसेज थी। उसके अलावा यहाँ पर देखो हमारे जो वॉल ब्रेकर है वो हम टाउन हॉल की तरफ भेजेंगे, ताकि हमारा अटैक काफ़ी क्लीन लगे और हीरोज़ को भी एक पोजीशन मिले। तो यहाँ पर बस नॉर्मली एक कुछ स्कैटर बैलेंस को ड्रॉप किया गया ताकि एक फनल सा क्रिएट हो सके। उसके अलावा हम यहाँ पर ट्रूप्स को डालने वाले हैं, लाइक एक यहाँ पर 2-3 विजर टावर, इसलिए मैंने इस पोजीशन को सेलेक्ट किया ओके, क्योंकि विजर टावर थोड़ी डेडली होती है स्केलेटन्स के लिए, आई नो आप लोग समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर हम अपने वॉल ब्रेकर को ड्रॉप करेंगे और बाकी हीरोज़ को भी, क्योंकि यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो है। तो सीज बैरक जो हमारा जो वॉल ब्रेकर वो ऑब्वियसली टाउन हॉल की तरफ जा सकता है, अगर इस एरिया से ड्रॉप करेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो है, तो इसलिए हमने मल्टी इन्फर्नो की तरफ से डिप्लॉय किया। यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे वॉल ब्रेकर जा चुकी है और हम अपने किंग और क्वीन को भी भेज चुके हैं। तो यहाँ पर आधा सेक्शन जो है ना बेस की वो खत्म हो चुकी है हमारी, बस हीरो से और फिर हमने अपने साइड से डिप्लॉय कर दिया। आई मीन यहाँ पर मैंने फ्यू आई 3-4 जो हमारा स्केलेटन बैलेंस है उसे मैंने ड्रॉप किया ताकि एक फनल क्रिएट हो सके और हमारे जो स्केलेटन बैलेंस है भाई वो साइड में ना जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी अटैक जा रही है, पर फिर भी मेरी थोड़ी अटैक में एक प्रॉब्लम हो गई थी। हमें थोड़ा और फनल पहले क्रिएट करना था ताकि हमें यहाँ पर ड्रॉप करना था, इस पोजीशन में ड्रॉप करना था स्केलेटन बैलेंस को, ताकि वो टनल की तरफ जाए, पर सारे के सारे यार इस एरिया में जा चुके हैं, इसकी वजह से मेरे 99% आई थी। और यहाँ पर देख सकते हो हमने अपना रॉयल चैंपियन भी गलती से यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, लाइक आई मीन काफ़ी जल्द डिप्लॉय कर दिया, थोड़ा और वेट करना चाहिए था मुझे रॉयल चैंपियन के लिए ओके। तो ये फास्ट फॉरवर्ड के दिखा देता हूँ, अटैक टोटल 3-स्टार थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ओके, अगर इस बेस को हमें दोबारा मिलता ना तो ऑब्वियसली हम 3-स्टार कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर देख लो भाई टाइम भी चली गई थी, मुझे पता नहीं था, पर ऑब्वियसली एक 3-स्टार थी। तो इस टाइप के अटैक आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्केलेटन बैरल के साथ, स्केलेटन बैरल ऑब्वियसली वो प्रूफ है ओके, आप इस्तेमाल कर लो। और नेक्स्ट वीडियो बेसिकली हम हाइब्रिड देखने वाले टाउन हॉल 10 के बारे में, क्योंकि आई नो काफ़ी लोग बोल रहे हो मेरे पास टाउन हॉल 10 की आईडी आ चुकी है, मैंने फ्रेंड से लिया और हाइब्रिड अटैक मैंने जो किया ना भाई टोटल ओपे और काफ़ी मस्त है, उसकी वीडियो आई थिंक सिर्फ शाम तक आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच भाई वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो भाई जो भी गिव अवे जीतना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू वाला बेल आइकन दबाओ, वीडियो पर लाइक ठोको, लाइक 150 कंप्लीट होना चाहिए और वीडियो को एंड तक देखना, नीचे एक कमेंट कर देना कोई भी रैंडम कमेंट, उस कमेंट को पिक करके मैं गिव अवे का रिजल्ट काफी जल्द अनाउंस करूंगा। था थैंक यू सो मच गाइस एंड तक बनने के लिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट एंड क्लास ऑन।